भारत और चीन सीमा पर हुए झड़प में शहीद हुए जवानों के शहादत पर हिंदुत्व समन्वय समिति के कार्यकर्ताओं ने कचहरी चौराहे से गांधी प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकालकर सैनिक श्रद्धांजलि दी। इस संबंध में समिति के मीडिया प्रभारी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 16 जून को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए झड़प में हमारे 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, जिससे पूरे देश में शोक का माहौल है। हम चीन निर्मित सामानों का बहिष्कार करेंगे, इसी से चीन को कमजोर किया जा सकता है। यही हमारे जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर हिंदुत्व समन्वय समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार मिश्र, महामंत्री सुग्रीव कुमार निषाद, आनंद कुमार सोनकर, संजय भारती, अखिलेश कुमार, अजय कुमार, गोपाल कुमार गुप्ता, चंद्रिका मिश्र मौजूद रहे। इस संबंध में गौरवपुन्नी से बात करते हुए हिंदुत्व समन्वय समिति के मीडिया प्रभारी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी हिंदू समन्वय समिति गोरखपुर के साथ किया, जिसमें हमारे सैनिक उनसे बात करने के लिए जा रहे थे, लेकिन चाइना के देशद्रोहियों ने, चाइना के गद्दारों ने हमारे सैनिकों के ऊपर जो हमला किया, उस हमले में हमारे सैनिकों ने जम करके संघर्ष लिया। हालांकि वो उसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और उसमें हमारे 20 जवान सैनिक जो है मारे गए। उन 20 जवान सैनिकों की शहादत के लिए, आज उनको याद करने के लिए, उनको सजा सुमन अर्पित करने के लिए हिंदू समन्वयक समिति के अध्यक्ष और कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा टाउन हॉल गांधी प्रतिमा तक, जिला मुख्यालय से यहाँ प्रतिमा तक एक रैली, एक कैंडल मार्च निकाला गया और उन शहीदों को याद किया गया। और साथ ही साथ यह संकल्प लिया गया कि हम सब समिति के माध्यम से चाइनीज सामानों का बहिष्कार करने का एक जन जागरण चलाएंगे और चाइनीज सामानों को किसी भी तरह से इस्तेमाल करने के लिए हम जनता को उसके लिए हतोत्साहित करेंगे कि वो चाइनीज सामानों का बहिष्कार करें, क्योंकि आर्थिक चोट पहुंचाना ही चाइना को सही देना है। साथ ही साथ संगठन ने यह भी निर्णय लिया कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस चाइना को सबक सिखाने के लिए जो भी निर्णय लेगी, उसमें हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके भाग लेंगे और उन सैनिकों की शहादत को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आज का यह कार्यक्रम इसी को लेकर के आयोजित किया गया है।